नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं। तीन ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जो उम्र दराज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक परिस्थितियों को देखा है, अनेक परिस्थितियों से लोहा लिया है। ऐसी ही तीन शख्सियत आज हमारे साथ हैं। इस समय हम पहुंचे हैं फर्रुखनगर गौशाला के इस प्रांगण में, जहां पर मौजूद हैं वो सभी महानुभाव जिन्होंने गौ सेवा के लिए अपना योगदान दिया है। मैं आपका परिचय कराता हूं। मध्य में जो बैठे हुए हैं, चौधरी करतार सिंह प्रधान हैं, आकूपुर गांव से हैं, 80 वर्षीय बुजुर्ग हैं, गौशाला के प्रधान रह चुके हैं और समाज सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी भूमिका बढ़ चढ़ कर रहती है। आइए जानते हैं गऊओं को लेकर के इनके क्या विचार हैं। जी करतार प्रधान जी, ये 45 साल पुराना मेंबर हूं मैं गौशाला का, राम कुमार मुंडा खेड़ा, भरत सिंह रामपुरा और कुपर करतार, सबसे पुराने तीन मेंबर जी, जिन्हें 45-46 साल हो गया जुटे जाने, मेरी 80 साल उम्र होगी और सारा कुर्बा किया भावना से अभी गौ माता की सेवा करता रहा जी। हाँ, और गौ माता की सेवा करने का आह्वान किया जा रहा है, अपनी अगली पीढ़ी को भी यह आमंत्रित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी गौ सेवा करे। श्रीपाल ठाकुर साहब है हमारे साथ, पटोदा से हैं, जटोली से। और देखिए, यहाँ पर आपको एक अलग अलग अभिव्यक्ति के व्यक्ति मिलेंगे। सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है, जिस प्रकार ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके वेशभूषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ भारत में अनेकता में एकता का उदाहरण देखने को मिलता है। हमारे साथ आइए जुड़ते हैं सीधे श्रीपाल जी से। श्रीपाल जी, लगातार आप यहाँ पर गौशाला में पहुँचते हैं, फर्रुखनगर में गौ सेवा कर रहे हैं, मैंने भी कई कार्यक्रमों में आपको देखा है, क्या समझते हैं आप गौ सेवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना नाम बताता हूँ जी। मेरा नाम श्रीपाल सिंह किलेदार, गाँव मेरा जाटोली हेली मंडी जी। जी, मैं गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, वैसे समाज सेविक भी हूँ। वेरी गुड। देखिए, हमारी गौशाला नॉर्थ हरियाणा की सबसे बड़ी गौशाला है और यहाँ पे बिगर भेदभाव और बीसी किसी जाति का नहीं है, ये सभी सर्व जाति की गौशाला हैं और सभी इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देते हैं। दूसरी बात, हमारी गौशाला में 2 बार महीने में मीटिंग होती है, ऑडिट भी होता है और हम सबको मतलब गांव-गांव में जाकर और पर्चे बांटते हैं, जो खर्चा हम नहीं, जो भी कुछ होता है हम हर आदमी को जाकर उनका परिचय देते हैं। और देखिए, हम साल में एक बार ही चंदा इकट्ठा करते हैं। हमारे जो गौ भगत हैं वो इतने हमसे जुड़े हुए हैं, वो बिगर मांगे हमें चंदा देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे काम के ऊपर बड़ा विश्वास है और हम उनको बिल्कुल फास रखते हैं काम का अपना। और मैं आपसे भी अपील करता हूँ, हमारी बातें ये आगे तक पहुँचाएँ और हमारी गौशाला बहुत बड़ी गौशाला है और सरकार भी हमारी गौशाला का ध्यान रखे और ध्यान रखती है। और भी गौशाला का मैं योगदान करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारी गौशाला कम से कम भी 8,000 के लगभग में गायें हैं और जो भी लावारिस गाय हैं वो एक नॉर्थ हरियाणा की एक पहली गौशाला है, लावारिस गायों को लेती है और दुख दर्द वाली, तकलीफ वाली या कोई किसी के गोडे में चोट लग गई उसको भी हम लेते हैं। हमारे पास लगभग 4 डॉक्टर हैं, 2 भी हमारे पास सरकार ने दिए हुए हैं और सभी बच्चे बड़ी धाल से सेवा करते हैं। धन्यवाद जी। और देखिए, जिस प्रकार ठाकुर साहब ने बताया है, भक्ति में शक्ति है और यही भक्ति, इनसे मिलने वाली शक्ति इनको प्रेरित करती है। इस उम्र में भी ये गौशाला में पहुंचते हैं, गौओं की सेवा का संकल्प लिए हुए हैं और लगातार ये अपील करते हैं कि गौ भगत यहाँ पर गौशाला में पहुंचे, गौ सेवा का संकल्प लें, आने वाली पीढ़ी इन तमाम बुजुर्गों से प्रेरणा ले और इनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर, प्रेरित होकर आने वाले समय में इस फर्रुखनगर गौशाला में गौओं की सेवा का संकल्प भी लें, अपने आने वाले व्यस्त समय में से समय निकालें, गौ माता की सेवा के लिए आएं और अपने क्षेत्र की, इस दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गौशाला से जुड़ें और अपने भावी पीढ़ी के, अपने पूर्वजों के संस्कारों को समाहित कर वो सभ्यता और वो संस्कार अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि हमारी आस्था जो गौ माता के प्रति है ये अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में जाए। कैमरामैन रवि कुमार के साथ, समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।